फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और यहाँ पर हमारे यहाँ आने वाले हैं कुछ मेहमान। तो मेहमान कहाँ से आने वाले हैं, कौन आने वाले हैं, तो ये सब आपको धीरे धीरे वीडियो में पता चलता रहेगा। और ये हैं हमारी दीदी, और इससे पहले जो देखे थे वो भी दीदी ही लगती हैं। और ये यहाँ पर तैयारी होगी है सबके आने की, तो उससे पहले ही सब तैयारियाँ करके रख ली है। लेकिन हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है दशहरा, तो आप सबको दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरी नवरात्रे की वीडियो भी अभी बाकी हैं, तो वो भी जल्द ही मैं डालने वाली हूँ, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा बिजी हैं। आज हम पिछले आ चुके हैं नए व्लॉग के साथ, और आप आज हम रिश्तेदार आएंगे, यहाँ मेहमान आएंगे। और कौन आएंगे? मीना बूजी। कौन आएगी, कौन आएंगी? मीना बूजी। हाँ जी, और कौन आएगा साथ में? बच्चे बच्चे बहुत सारे जने आएंगे, बहुत सारे जने बहुत सारी बूजी आएंगी, बहुत सारी बूजी आएंगी, है ना? क्यों? हाँ, बड़ी बूजी भी आएंगी, सुदेश बूजी भी, और भी बूजी आएंगी, जो जिनका आपको पता ही नहीं है वो भी बूजी आएंगी, ठीक है ना? उनका क्या है नाम है? और जब आएंगे ना तब बताएंगे फिर उनका नाम, ठीक है? कौन सा नाम है उनका, कौन सा नाम है बताऊंगी अभी। तो अभी आने वाले हैं मेहमान, मीना दीदी हमारी, मतलब मीना दीदी और आएंगे, जीजा जी आएंगे, तो सुदेश दीदी आएंगी, और भी मेहमान है, मतलब और भी दीदी और आएंगे, तो वो लोग आ रहे हैं किसी खास कारण से, तो वो आप सबको पहले बता दूंगी, वीडियो बनाऊंगी, जब आगे आगे वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा वो किस लिए आ रहे हैं और उनका कैसे अचानक से प्रोग्राम बना, उनका कैसे प्रोग्राम बना अचानक से आने का, तो ये सब चीजें अभी मैं वीडियो शुरू हो चुका है। और आज है दशहरा त्योहार है, तो सुबह से लगे पड़े हैं हम लोग ऊपर से नीचे तक साफ सफाई करने में, और बहुत मतलब ये है कि आज सुबह में सड़क लेट आएंगे हम लोग, हमने अभी भी फोन किया था, पहले कह रहे थे दीदी और की दोपहर तक पहुंच जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, तो लेकिन अभी तक वो आई नहीं है, अभी फोन किया तो पता चला है कि वो लोग थोड़ा लेट आएंगे, अभी चलेंगे, शायद कुछ काम आ गया होगा, होता है ना कई बार त्योहार है तो त्योहार पे बहुत, और वो अभी चले हैं, लगभग एक डेढ़ का टाइम हो चुका है, तो अभी बस हम लोग घर में खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं जब वो आते हैं तो फिर गाना वाना होगा। हाँ, तो गाना बजाना होगा, सब जगह पता कर दिया है, किस चीज का पता कर दिया है ये नहीं बताऊंगी, अभी बताऊंगी बाद में, तो चलिए अभी वीडियो को देखते रहिए, चलो खाना खाएंगे, चलो चलो कपड़े नहीं अब चेंज करने बेटी, चलो तो यहाँ पर जैसे ही वहाँ पे फ़ोन किया दीदी और के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि हम लोग थोड़ा लेट चलेंगे क्योंकि कुछ काम आ गया था, और होता है कई बार ऐसा ही हो जाता है कि त्योहार में इस तरह से कुछ काम आ जाता है तो लेट हो जाते हैं, तो वो लोग शाम को आएंगे, शाम तक आएंगे मतलब, तो फिर हम सब ने सोचा कि पहले हम लोग खाना खा लेते हैं और फिर बाकी काम बाद में कर लेंगे। जो औरतों को बुलावा दिया गया था, पता किया गया था जिनके पास, तो वो सब भी आने थे क्योंकि उनको तो अपने टाइम से आना ही था, तो फिर गाना गाने का प्रोग्राम भी था, और ये इसलिए रखा गया है गाने का प्रोग्राम क्योंकि जो दीदी आ रही हैं वो भात नोतने के लिए आ रही हैं, जो मीना दीदी हैं उनकी लड़की की शादी है, मतलब उनकी छोटे वाली लड़की की शादी है, बुलबुल की, उसका नाम और वीडियो देखी मेरी कैसी लगी? अच्छा, ये देख, यह है मेन मारी बात, अरे यह देख अरे चुपती क्यों है हमारी लाडो
और दीदी और फिर शाम को लगभग 4-4:30 के करीब पहुंचे थे। उसके बाद चाय पानी हुआ थोड़ा बहुत, तो फिर गाने वाले तो अपने गाने में लगे हुए थे, मतलब कीर्तन सा करने लगे थे वो लोग बैठ के। और फिर यहाँ पर हो गई है ये भात नोतनी, क्या जो नोतनी दी जाती है उसकी तैयारी, मतलब वो दे रही हैं दीदी अपनी भाई को। और ये है मीना दीदी और ये है जुगनू, जुगनू मतलब ये मीना दीदी की बड़े वाली लड़की है। इनकी दो लड़कियां हैं और एक लड़का है, जो खुश मैंने पहले वीडियो डाली थी वो खुश दीदी का ही लड़का है। तो यहाँ पर दोनों भाइयों को नोतनी दे दी है दीदी ने। और बस उसके बाद जो कि जो रस्में होती हैं वो होंगी, मतलब जैसे भात में जो गाने वगैरह गाए जाते हैं भात के, और जो गालियाँ वगैरह दी जाती हैं भातनों को वो दी जाएंगी। और यहाँ पर ये दीदी बता रही हैं कि यहाँ पे आशु का जोड़ा रखा है और ये चीकू का जोड़ा है, तो भाइयों के जोड़े होते हैं इसमें, भाभियों के नहीं होते हैं जब नोतनी देने आते हैं। तो यहाँ पर जो रखने की भी रस्म हो रही है, क्योंकि ये दशहरे वाले दिन का वीडियो है, त्यौहार के दिन का। तो फिर हम लोग कहने लगे कि आज त्यौहार है, तो दोनों बहनें अपने भाइयों को जो है जो भी रख देंगी साथ के साथ ही। ऐसे तो होती नहीं है कोई सी भी दीदी, मेरी चार नंदी है लेकिन कोई भी ऐसे टाइम पर नहीं हो पाती है। और यहाँ पर नाच गाना वगैरह सब हो चुका था और सब लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, मतलब सब लोग जा रहे थे धीरे धीरे। और ये है दो गाड़ियाँ जो आए थे, जिनमें आए थे मतलब दीदी और जब भातन आती है ना, मतलब भात नोतने के लिए नंदे आती हैं, तो उनके ना पांव धोए जाते हैं, मतलब ये पांव धुलेंगे और ये पैसे वगैरह देती हैं दीदी और, तो ये रस्म होती है। और यहाँ पर ये दोनों, ये देखिए खुश और आशु दोनों लड़ रहे हैं, मतलब लड़ नहीं रहे हैं, हंसी मजाक में कर रहे हैं, दोनों का एक दूसरे से बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव है। और अभी खुश और दीदी और बुला भी रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 दिन पहले आओ, 8 दिन पहले आओ, तो देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। मन तो बहुत है जाने का लेकिन पता नहीं, जैसे भी होगा बताती रहूंगी मैं, आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी। हाय हाय बाय। तो अभी हम लोग बर्तन साफ कर रहे हैं और काम, खाने वगैरह का काम हो गया है, बर्तन कुछ हो गए हैं कुछ, ये देखिए काफी सारे बर्तन हैं और काफ़ी सारे जो है ख़त्म हो गए हैं, मतलब कि बर्तन कर दिए हैं, ये साफ़ कर दिए हैं। और दीदी गई हैं चाचा जी के यहाँ, तो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे उनके पास, आ जाएंगे फिर उसके बाद फिर से गाना बजाना होगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर बर्तन वगैरह किए हमने और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। और रात में गाना हुआ बजाना हुआ, खूब सारे गाने गाए हमें, लगभग 12:30 का टाइम हो गया था जब तक हम लोग बैठे रहे, भजन वगैरह गाते रहे। और ये है मेरी बड़ी दीदी सुदेश दीदी और ये है छोटी दीदी मीना दीदी, इनका तो मैंने बता ही चुकी हूँ। और ये हैं बड़ी दीदी मीना दीदी और जो पीछे बैठे हुए हैं ये हमारे जमाइसा, मतलब कि जुगनू के हस्बैंड, जो मीना दीदी की बड़े वाली लड़की है ना जुगनू, उनके घर वाले मतलब उनके हस्बैंड हैं।
तो ये भी आए हैं और बाकी के जो सदस्य है वो अभी धीरे धीरे आप सबको दिखाई देंगे, आप सबको मिलवाती रहूँगी। और यहाँ पर ये सभी बैठे हुए खाना होने के बाद, खाना खाने के बाद यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे और ये खुश मुझे बुलाने आया था कि मामी आ जाओ जल्दी से पिज्जा पास्ता की वीडियो बनाओ। और ये है जुगनू का लड़का। नहीं नहीं वो नहीं लेंगे हम। हाय हाय, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? बोलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? हाँ, और पूछो क्या कर रहे हो आप? कैसे कर, क्या कर रहे हो आप? खाना खाओगे क्या? नहीं, आपको नहीं पूछा, उनको पूछो अपने फ्रेंड्स को। खाना खाओगे? हाँ, पास्ता खाएंगे। पास्ता खाएंगे, क्या बनाऊँ आपके लिए? पास्ता। छोटू जा, छोटू जा, ये हमारे छोटू जा। हेलो हेलो, बाहर जाने की शनि बेबी, बाहर बाहर जाएगा बाहर। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना, बाहर जाना, बाहर जाना, होय होय, घूमी घूमी कर कहानी। देखिए 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 देखिए, चलो, ये हमारी शिवी रानी। और दो भातन ये हैं और एक इससे पहले जो अभी आए थे संगीता दीदी वो थे। तो अभी इसकी वीडियो का तो मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा।